Everyone, this is Dr. Smriti. Welcome back. And uh, today's topic is Quiescent stage of the cell cycle for class 11. Quiescent stage is the uh, inactive stage shown by the some cells which do not further divide. In this stage, cells exit G1 phase to enter inactive stage. In this quiescent stage, cells are metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of the. ऑर्गेनिज्म ये डायग्राम मैंने बनाया है इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जी जीरो फेज है इसे क्वाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं जितने भी सेल्स हैं उसमें कॉन्स्टेंटली डिवीज़न होता रहता है और इस डिवीज़न के कारण ही ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है तो जो प्लांट ऑर्गेनिज्म uh, है उसमें होल लाइफ ग्रोथ होता रहता है दैट मीन्स कि प्लांट सेल कॉन्सटेंटली डिवाइड करता रहता है लेकिन एनिमल सेल जो है वो कॉन्सटेंटली डिवाइड नहीं करता है क्योंकि एक स्पेसिफिक एज के बाद या एडल्ट हो जाने के बाद जो ग्रोथ है या ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गेनाजेसिस होने के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाता है कुछ ऐसे सेल्स हैं जो आगे डिवाइड नहीं करता हैं जैसे uh, organogenesis of heart, मतलब heart का uh, बनने के बाद जो heart cell है उसमें further division नहीं होता है डिवीजन स्टॉप कर जाता है तो ऐसे सेल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं आप कह सकते हैं कि रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं सेल uh, के इसी रेस्टिंग फेज को क्वेश्चन सेल साइकिल कहते हैं बहुत सारे सेल ऐसे भी हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं बट ऑकेजनली डिवाइड करते हैं जब रिक्वायरमेंट होता है जैसे कोई सेल्स uh, है उसे रिप्लेस uh, करने के लिए सेल के रिप्लेसमेंट के लिए या फिर uh, जो uh, अगर कोई इंजरी है तो वहाँ पे जब जरूरत होती है तो वो जो सेल है जो इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है या आप कह सकते हैं जो क्वेसेंट स्टेज में है या जो जी ज़ीरो फेज में सेल है वो उस इनैक्टिव स्टेज से बाहर आता है फिर इंटर करता है जीवन फेज में और फर्दर वो डिवाइड करता है तो ये जो डायग्राम है इसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जी जीरो फ़ेज़ क्या है या आप कह सकते हैं कि क्वेसेंट स्टेज क्या है ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेल साइकिल को सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं मेन एक है एम फेज और दूसरा है इंटरफेस तो एम फेज को माइटोसिस फेज फेज कहते हैं माइटोसिस में ही सेल सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है और एक डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स का निर्माण करता है ठीक है तो जब दो सेल बनते हैं उसमें से क्या होता है कि एक सेल जो है जिसमें फर्दर डिवीजन होना है वो जीवन फेज में इंटर करता है जीवन फेज को ग्रोथ फेज कहते हैं ग्रोथ फेज में सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है उसे बोलते हैं एस फेज एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसमें जेनोम का डुप्लीकेशन होता है दैट मीन्स कि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है एंड थर्ड फेज जो है इंटर फेज का उसे बोलते हैं जी टू फेज इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सेल कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहता है आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है जी वन एस फेज और जी टू के बाद तब ये जो सेल है वो एंटर करता है माइटोसिस फेज में या आप कह सकते हैं एम फेज में एम फेज में दो फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसे फोर बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है जो है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ठीक है और ये फोर बेसिस जो फेजेस है उसको कंप्लीट करने के बाद दैट मीन्स आप कह सकते हैं कैरियोकानेसिस जब हो जाता है न्यूक्लियस का डिवीजन जब हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है दैट मीन्स की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और साइटोकाइनेसिस के बाद जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो जो सेल है वो दो सेल में डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है ठीक है तो ये दो जो सेल आप यहां पे देख रहे हो ये दोनों जीवन फेज में एंटर नहीं करता है वही सेल जीवन फेज में एंटर करता है जिसे फर्दर डिवीजन चाहिए होता है या फिर आप कह सकते हैं जब डिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है अगर डिवीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो ये सेल एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है या आप कह सकते हैं रेस्टिंग फेज में चला जाता है इसी फेज को बोलते हैं जी जीरो फेज और क्वेसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इस फेज में जो भी सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब यह होता है कि इस सेल में मेटाबॉलिज्म कॉन्स्टेंटली होता रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सेल जब लिविंग फॉर्म में होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्टॉप करेगा वो सेल लिविंग नहीं रहेगा वो सेल डेड हो जाएगा उसे हम डेड सेल कहेंगे और यहाँ पे जो सेल है जी जोरोज का या आप कह सकते हैं क्वाइसेंट स्टेज का वो इनएक्टिव स्टेज में है डेड नहीं है और ये सेल फर्दर डिवाइड करता है लेकिन तब डिवाइड करता है जब रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का जैसे कोई इंजरी हो गई तो वहाँ पे उस घाव को संड को भरने के लिए नए सेल की जरूरत होगी उस कंडीशन में जो सेल इनएक्टिव स्टेज में होते हैं या आप सेल जो जी जोरो फेज में होते हैं वो इस इनएक्टिव स्टेज से बाहर आते हैं और जी जीरो सॉरी जीवन फेज में एंटर करते हैं और फर्दर जो डिवीजन का प्रोसेस है फेज बाय फेज वो कंप्लीट करते हैं तो ये जो फेज़ है इनएक्टिव स्टेज जो है जिसमें सेल रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है फर्दर डिवीजन सो नहीं करता है इसी फेज को बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मैंने यहाँ पे लिखा है जी जीरो फेज और क्वाइसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल दिस इज द इनएक्टिव स्टेज सोन बाई सेल्स विच डू नॉट फर्दर डिवाइड मतलब ये सेल साइकिल का इनएक्टिव स्टेज है और वैसे कोशिका के द्वारा दिखाया जाता है जो आगे डिवीजन नहीं करता या जिसमें आगे डिवीजन नहीं होती है दिस सेल्स एग्जिट जीवन फेज टू इंटर इनएक्टिव स्टेज ये जो सेल है ये एग्जिट कर जाता है जीवन फेज के दैट मीन्स कि जीवन फेज में इंटर नहीं करता है और ये इंटर कर जाता है एग्जिट कर जाता है जीवन फेज से और इंटर कर जाता है जी फेज में दैट मीन्स कि इनएक्टिव स्टेज होता है सेल साइकिल का उसमें इन स्टेज सेल्स आर एक्टिव बट नो ये सेल एक्टिव होता है लेकिन इसमें डिविजन नहीं होता है मेटाबोलिकली एक्टिव दैट मीन्स की इसमें मेटाबोलिज्म का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ऐसा इसीलिए कि ये जो सेल्स होते हैं ये रेस्टिंग स्टेट में होते हैं रेस्टिंग फेज में होते हैं और जब तक सेल लिविंग फॉर्म में है उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते होते हैं लेकिन इसमें पोरिफरेशन नहीं होता है और तब तक नहीं होता है जब तक कि ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं हो इन दिस स्टेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर पोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड क्वैसेंट स्टेज ऑफ द साइकिल और जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो वे ऑफ टीचिंग पसंद का रहा पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके थैंक यू थैंक यू सो मच